सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के ग्रुपिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सॉरी यार अगर वीडियो थोड़ा सा देरी से आ रहा है, बिकॉज मैं आज सुबह से काम में फंसा हूँ। वैसे मैं जो वीडियो है वो फिलहाल अपने ऑफिस से शूट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। हम बात करते हैं सबसे पहले पुराने पोल के सवाल थे कि क्या आप अपने एग्जिस्टिंग फोन से संतुष्ट हैं। तो आप में से 54% बोलते हैं हाँ जी हाँ जी, और बाकी बोलते हैं यार नहीं भाई, हमको तो चेंज करने की बस उत्सुकता है कि कैसे कोई फोन आ जाए नया वाला बहुत जल्दी से। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपसे ये है कि भाई क्या आपको लगता है कि जो रियलमी का अपकमिंग रियलमी 3 Pro होगा वो होगा बेहतर Xiaomi के Note 7 Pro से? आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या है राय, बताइएगा जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातों को मिला लो एक साथ, दबा दो थोड़ा जोर से लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं यहां पे पहली खबर Realme 3 Pro के लिए ही, जो कि यहां पर दोस्तों कुछ लीक हुआ है और मालूम यह चलता है कि भाई फोन बड़ा ही दमदार दोस्तों होने वाला है यहां पर Realme की तरफ से, अगर ये लीक्स सही हुए। बिकॉज यहां पे आपको मिलेगा पॉपअप सेल्फी कैमरा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर, 4500 mAh की बैटरी। मतलब यार दोस्तों लगता है कि बहुत ही सॉलिड होने वाला है अपकमिंग Realme 3 Pro फोन। अभी यहाँ पे ये अप्रैल में कब आता है, किस प्राइस पे आता है वो हम देखेंगे, लेकिन भाई लीक्स तो बड़े ही शानदार हैं। देखते हैं एट द एंड क्या होता है Realme 3 Pro का। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आती है यहाँ पे एक थोड़ी सी सैड न्यूज, जहां पर दोस्तों आपसे बात कर रहा हूँ ट्राई की, और यहाँ पर दोस्तों जो ट्राई है उसकी आज दोस्तों एक मीटिंग थी, उसके बाद में दोस्तों जो आउटपुट है वो आने वाला है अराउंड मई के आसपास, जहां पर दोस्तों डिस्कशन इस बात पे था कि जो OTT सर्विसेज दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया या स्काइप कॉलिंग वगैरह हो गया, वो अगर आप वाईफाई पे करते हैं बिना वॉलेट को यूज किए तो क्या इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो अगर दोस्तों यहां पे कुछ चीजें हुई राइट लेफ्ट तो शायद आपको व्हाट्सएप कॉल्स करने को ना मिले अगर आप वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, या फिर हो सकता है आपको उसके पैसे देने पड़े। तो यहां पर दोस्तों ये एक लाइट रेगुलेशन जो है वो शायद आ सकता है इन्हीं ओवर द टॉप सर्विसेज पे। अभी देखते हैं ऐसे में एग्जैक्टली कि क्या निकलता है आउटपुट ट्राई की इसी मीटिंग का। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Huawei के P30 के लिए, यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है EMUI 9.1 की। ये एक टीजर दोस्तों आया है Huawei की तरफ से ही Huawei P30 के लिए कि भैया इसमें होने वाला है एंड्रॉयड 9 पे होगा दोस्तों, ऑफ कोर्स बेस्ड EMUI 9.1। और यहाँ पे अभी आपसे मेरा सवाल ये है कि भाई जो P30 Pro होगा उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको कब देखनी है, कल शाम को हालांकि इंडिया टाइम के हिसाब से काफ़ी लेट हो जाएगा 6-7 बजे, या फिर परसों सुबह सुबह? आप दोस्तों बताइए नीचे कॉमेंट्स में। बाकी फ़ोन जो है ना वो काफ़ी सॉलिड लगता होने वाला है यही Huawei का P30 और P30 Pro। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Amazon की एक सेल को लेके, जहां पर दोस्तों चल रहा है फिलहाल Amazon Fab Phones Fest। 25 से 28 मार्च के बीच में आपको जो है वो काफी अच्छी डील्स मिलने वाली है Amazon पे अगर आप परचेज करते हैं अपना फेवरेट फोन। Realme U1 हो गया है, Honor Play हो गया है, Redmi Note 5 Pro हो गया है, ऑल्दो कुछ पुराने फोन है लेकिन ऐसे में शायद आप एक अच्छी रेट पे इन फोन को ले पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Xiaomi की तरफ से, और हाँ दोस्तों Xiaomi ने एक नेक्स्ट जेन फोन का टीजर जो है वो सामने दिखाया है। वैसे भैया कुछ देख के मालूम चलता नहीं है, लेकिन लगता दोस्तों यही है कि यहां पे बात हो रही है Mi Mix 4 की, उससे पहले दिखाया है Mix को, Mix 2 को और Mix 3 को। तो देखते ये हैं कि भैया Mix 4 क्या अपने साथ में नया लेके आता है जिससे वो बन जाएगा बेजललेस फोन। अभी ऐसे में स्लाइडर मैकेनिज्म है या भैया कुछ और नया करता है Xiaomi, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे एक ऐसी नई ऑटोमेटिक टेक्निक को लेके जिसके चलते दोस्तों यहां जो आई सरफेस कैंसर है उसका पता लगाया जा सकता है बहुत ज्यादा अर्ली स्टेजेस में। तो यार ये एक अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप टेक को दोस्तों मिक्स कर देंगे हेल्थ केयर में तो ऐसे में हमको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और यहां पे जो आई सरफेस कैंसर है उसको लेके भी ऐसी एक रिसर्च सामने आई है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है भैया यहां पे कोरिया की तरफ से, और यहां पर दोस्तों कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो है वहां पे एक नई चीज निकल के आई है, जहां पर दोस्तों हमसे बात कर रहा हूं भैया ऐसे कपड़ों की जहां
पे सेल्फ पावर्ड ये कपड़े हैं और ये दोस्तों धोए भी जा सकते हैं बड़े आराम से। तो अगर आपसे बात करता हूँ भैया वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स की, मतलब अगर ऐसी शर्ट या ऐसा दोस्तों आपके पास में कुछ कपड़ा है, कुछ फैब्रिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो शायद वो चीज़ जो है वो हम जल्दी देख पाएंगे। बेसिकली जो स्मार्ट क्लोदिंग है वो शायद जल्दी ही सामने आ सकती है। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे मोटोरोला की तरफ से, और यहाँ पे बात हो रही है मोटोरोला के वन विजन की, जहाँ पे दोस्तों ये सामने आया है इस पंच होल डिजाइन के सामने एक लीक में, और यहाँ पे बात हो रही है एक्सिनोस के 9610 प्रोसेसर की। इसके अलावा यहाँ पे जिक्र है 48 मेगापिक्सल के कैमरा का। तो भाई देखते हैं एग्जैक्टली कि मोटोरोला क्या लेके आता है अपने इसी मोटोरोला वन विजन में, क्या कोई विजन मिल पाता है कंपनी को या नहीं। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे वीवो की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों भैया वीवो बन गया है स्पॉन्सर पबजी मोबाइल ओपन 2019 चैंपियनशिप का, जहां पे दोस्तों आप जीत सकते हैं $2 million तक के प्राइजेस अलग अलग कैटेगरीज में। अगर आपको इंटरेस्ट है पबजी में, अगर आप एक गेमर हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भैया आप भी जाकर रजिस्टर कर लीजिए, क्या पता आपका नाम भी आ जाए। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे गूगल स्टेडिया को लेके, और यहाँ पर दोस्तों लॉन्च के टाइम से ही आप जो है वो 4K 60fps में गेम्स को एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों कुछ और बेहतर इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। मतलब पहले दोस्तों जो प्लान था वो फुल HD तक का था, लेकिन यहाँ पर गूगल ने बताया कि भैया अभी जो है वो 4K 60fps का जो ऑप्शन है वो लॉन्च से ही अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज कुछ और इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो यार ये एक चीज तो बड़ी अच्छी है, बस इंडिया में आए तो मतलब मजा सा ही आ जाए। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे फ्री वाईफाई को लेके, मतलब यहाँ पे यार जो फ्री वाईफाई है ना उसको लेके हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ भैया यूज़ करें। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल के हिसाब से कि भाई इंडिया में भी काफी पॉपुलर हुआ है, लेकिन ऐसे में जो खतरा है भाई आपकी सिक्योरिटी को लेके वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है अगर आप होते हैं किसी फ्री वाईफाई से कनेक्टेड। तो यहाँ पे अभी इंडिया में भी जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में काफ़ी लोग ढूंढते रहते हैं फ्री वाईफाई को। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अगर आप यूज़ करते हैं फ्री वाईफाई को तो अपनी थोड़ी समझ से। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है वीवो के नेक्स को लेके, और यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉयड पाई का अपडेट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। नेक्स हालांकि पिछले साल आया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फ़ोन काफ़ी यूनिक था, और ऐसे में फिलहाल जो अपडेट है वो कैमरा को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है, साथ में आपको एंड्रॉयड पाई का स्वाद भी चखने का मौका मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से, और ये दोस्तों लेके आ गए भैया अपना दूसरा कैंपेन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, और यहां पे बात हो रही है अगेन फेक न्यूज की, क्योंकि यहां पे दोस्तों व्हाट्सएप के चलते ना मतलब बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं, कुछ सही होती है कुछ नहीं होती है। तो यहां पे व्हाट्सएप एक और कैंपेन लेके आ गया है, तो उम्मीद ये करते हैं कि यहां पे जो इलेक्शन का टाइम रहेगा उस दौरान कोई भी फेक न्यूज इधर उधर ना फैले बिना किसी मतलब बेस के। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे सैमसंग के गैलेक्सी A60 A70 को लेके, और यहां पे दोस्तों चाइना के टीना सर्टिफिकेट में इनको पकड़ा गया है, जहां पे भैया फोन की फोटोज दिख रही हैं आगे से और पीछे से। तो यहां पर दोस्तों जो A70 है वो तो आया रहा है इस नॉच डिजाइन के साथ में, लेकिन दोस्तों जो A60 है उसमें कोने में दिख रहा है कैमरा, तो शायद दोस्तों ये पंच होल वाला सिस्टम हो सकता है। भैया देखते हैं एग्जैक्टली कि सैमसंग A60 को 70 को 90 को और बाकी सीरीज के फोन को कैसे लॉन्च करता है, और जो 10 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट निकल के आता है यहां पर चंद्रयान 2 को लेकर, काफी दोस्तों कमाल गुड न्यूज है, जहां पे नासा की एक साइंस प्रोब को दोस्तों कैरी करने वाला है भैया हमारा ये मिशन चंद्रयान 2, जो कि दोस्तों इसरो का एक मिशन है। तो मतलब ये एक काफी कमाल बात है, मतलब इसरो जो है वो कमाल दोस्तों काम कर रहा है यहाँ पे। अगर आपसे बात करता हूँ स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह की, तो ऐसे में चंद्रयान 2 जो है वो कैरी करेगा अपने साथ में एक नासा की साइंस प्रोब को। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे पबजी मोबाइल को लेके, और अगर भैया आप जो है वो 6 घंटे की लिमिट से परेशान थे, या भैया थे अचानक से चौकन्ना हो गए कि क्या हो गया यहाँ पे 6 घंटे की लिमिट को लेके, तो यहाँ पे दोस्तों ये एक एरर था ऐसा कहना है पबजी मोबाइल का, और इसको दोस्तों फिक्स कर दिया गया है। तो भैया अभी कोई लिमिट नहीं है, आराम से आप पबजी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको उस 6 घंटे की लिमिट से कोई बॉदरेशन था तो फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है, और ऐसे में भी आगे देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं अपडेट्स। अगर पबजी को बैन किया जाता है या कुछ और अगर नया होता है अपडेट, तो वो तो खैर आपको टेक न्यूज़ में मालूम चली जाएगा। दोस्तों बात करते हैं लास्ट खबर की, और लास्ट इसलिए रखा है बिकॉज़ इसके अंदर कुछ दम नहीं था, मोटोरोला के मोटो G7 लॉन्च को लेके। भैया इंडिया में लॉन्च किया, मोटोरोला ने कीमत रखी है ₹17,000। अलग से तो खैर मैं इसको लेके वीडियो बना ही चुका हूं, लेकिन भैया क्या जिक्र करें टेक न्यूज़ में इस फोन का, बस
है इतना ही समझ लो एक फोन जिससे आपको बच के निकल जाना है, अगर कहीं छू लेगा ना तो मतलब बड़ा खतरा है। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।